ज्यादा रिटर्न वाले ऑप्शन में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। गोल्ड वर्सेस रियल स्टेट ऐसे ही दो ऑप्शंस हैं, जिसमें लोग अपने इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी के हिसाब से पैसे लगाते हैं। इस फेस्टिवल सीजन में इन दोनों में से किस में निवेश किया जाए, इस पर फैसला करना काफी मुश्किल हो सकता है। दोनों ही अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों में पैसा लगाना किस तरह सही है। सबसे पहले जानते हैं सोने में इन्वेस्टमेंट के बारे में। भारत में गोल्ड की खरीदारी को शुभ माना जाता है। आमतौर पर इस वजह से त्योहारों में इसकी खरीदारी काफी तेज हो जाती है। सोना एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी मुश्किल के समय में तुरंत काम आ जाता है। सोने ने दशकों से अपने वैल्यू को बरकरार रखा है। इसे खरीदना और बेचना भी काफी आसान है। सोना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बहुत काम आता है। इतना ही नहीं, ये आपको महंगाई के घटते इफेक्ट से भी बचा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि सोने में निवेश के नुकसान क्या हैं। अगर हम रियल स्टेट से सोने का कंपैरिजन करें तो ये रियल स्टेट की तरह इनकम जनरेट नहीं करता है। सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव हो सकते हैं, साथ ही सोने को सुरक्षित रूप से रखने पर भी काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। इसमें निवेश पर आपको कोई टैक्स छूट भी नहीं मिलता है। चलिए अब जानते हैं रियल स्टेट में निवेश के बारे में। फेस्टिवल सीजन में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के कई फायदे हैं। किसी संपत्ति का मूल्य समय के साथ काफी बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि आपके शुरुआती इन्वेस्टमेंट के बढ़ने और पर्याप्त रिटर्न जनरेट करने की क्षमता है। प्रॉपर्टी का लोकेशन और बाजार की स्थिति जैसे फैक्टर्स इसके किराए की बढ़त और वैल्यू निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी काफी समझदारी से चुनकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आखिर में जान लेते हैं कि रियल स्टेट में निवेश करने के क्या नुकसान हैं। रियल स्टेट के तहत प्रॉपर्टी को कैश में बदलने में काफी समय लग सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रॉपर्टी का मालिक होने का मतलब टैक्स मेंटेनेंस, यूटिलिटी और मरम्मत सहित लगातार होते खर्चों से निपटना भी है। ऐसे में सावधानी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग की भी जरूरत है। अचल संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो सकती है, इसीलिए संभावित नुकसान से बचने और अपने लंबे समय के बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बाजार की अच्छी समझ होना जरूरी है।